हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। 26 अगस्त है तो आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन के नाल। करंट अफेयर सेशन जिहड़ा कि इंपोर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीसीएस, पीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। आप स्टार्ट करेंगे अज का सैशन। सैशन शुरू करन तो पहले सैशन शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिते भी तुसी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के नाल, व्हाट्सएप, टैलीग्राम, जिते भी तुसी शेयर कर सकते हो सैशन शेयर करना स्टार्ट कर दो। सब तो पहले IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी, इन्हां दे लई नवें बैचेस ने। अगर तुसी इस दे विच एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवाने लई तुसी साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुसी साडी वैबसाइट नूं विजिट कर सकते हो। इस तो इलावा अगर किसी तरीके की क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ भी तुसी बाय करना चाहते हो तो भी तुसी इस वैबसाइट नूं विजिट कर सकते हो। चैनल नूं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे उन्हां न्यूज़ नूं जिन्हां नूं कल आपां MCQ फॉर्म दे विच डिस्कस किया सी, उन्हां दी रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म दे विच ही स्टडी करांगे। सब तो पहले 23 अगस्त नूं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोल्यूशन। स्लेव ट्रेड और उसकी एबोल्यूशन के लिए जिहड़ा डे रिमेंबर करन दे लई डे ऑब्जर्व किया जाता है, कदों ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अगस्त। नेक्स्ट है प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह द्वारा मिलकर एक बुक लिखी गई है, इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। नेक्स्ट है रोनी ओ सुलिवन द्वारा 6वां टाइटल जीता गया वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की अगर आप गल करिए, इस 6 टाइटल जीत चुके हैं रोनी ओ सुलिवन। 2020 का टाइटल किसने जीत लिया है? रोनी ओ सुलिवन ने। इस तो इलावा अगर आप रिकॉर्ड की गल करिए तो स्टीफन हैनरी के उत्ते 7 टाइटल्स का रिकॉर्ड है। ठीक है जी, सब तो ज़्यादा टाइटल्स किसने जीते ने? स्टीफन हैनरी ने जीते। नेक्स्ट है आनंद मल्होत्रा जो कि चेयरमैन ने महिंद्रा दे, प्लस शांतनु नारायण जो कि चेयरमैन ने अडोब दे। आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण इन्होंने एक अवार्ड दिता है, 2020 लीडरशिप अवार्ड जिसनों दिता गया यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा यह अवार्ड दिता गया। नेक्स्ट है 3 परसन का नाम, जैक्विस कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्थलेकर। ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका तो, ये पाकिस्तान तो और इंडिया दे विच पैदा हुए सी, इस करके इन्हों का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनता है। पुणे बॉर्न ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन वूमेन टीम के कैप्टन ने लीसा स्थलेकर। इन्हों का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल ICC दे हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया, ICC दी हॉल ऑफ फेम दे विच ऐड किया गया। नेक्स्ट है ईरान द्वारा एक मिसाइल टेस्ट की गई है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसका नाम इन्होंने रखा मार्टियर कसीम सोलेमानी के नाम देते इन्होंने एक मिसाइल बनाई है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ईरान कैपिटल तेहरान, करंसी रियाल चलती है, या फिर कह सकते हैं यदि नवी करंसी, ईरान की नवी करंसी की है हुण। इसका मतलब ये नहीं है कि रियाल खत्म कर दी गई है, रियाल भी है पर इस दूसरी करंसी चलती है, वह तुम्हें कमेंट बॉक्स में भी दसनी है। नेक्स्ट है टर्की द्वारा एक नेचुरल गैस रिजर्व पाया गया ब्लैक सी कोस्ट दे विच एक नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर किया गया टर्की द्वारा। बेसिकली अराउंड 320 बिलियन इन्होंने अनाउंस किया कि 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो सकता है इस दे विच, और जिसका यूसेज यही शुरू कर देंगे 2023 तो। टर्की कैपिटल अंकारा, करंसी उरा चलती है। नेक्स्ट है USA द्वारा एक रैपिड सैलिवा टेस्ट अप्रूव्ड किया गया COVID-19 के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखे सैलिवा डायरेक्ट। COVID-19 टेस्ट करने के लिए सैलिवा डायरेक्ट नाम का रैपिड सैलिवा टेस्ट शुरू किया गया। नेक्स्ट है इंडिया और थाईलैंड की एक मीटिंग हेल्ड की गई, 6th राउंड टेबल ऑफ एशियान इंडिया नैटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। 6वीं राउंड टेबल ऑफ एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स
बेसिकली इसनों इनोग्रेट किया गया इंडिया वालों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड प्लस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड डॉन प्रदमिनाई प्लस एशियान सैक्रेटरी जिहड़ा एशियन ग्रुप है। अगर आप गल करिए एशियान ग्रुप की तो जकार्ता दे विच हैडक्वार्टर है, इसके जनरल सैक्रेटरी जनरल लिम जॉक होई द्वारा। थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक और करंसी भर चलती है। एशियान ग्रुप के 10 मैंबर कंट्रीज ने 1967 दे विच यह बनाया गया से। जकार्ता इंडोनेशिया दे विच हैडक्वार्टर। नैक्सट है डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह लवे डोनर मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन्हों द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर एक बुक रिलीज़ की गई, गैस्ट्रिक कैंसर कैंसर के उत्ते एक बुक है जी रिलीज़ की गई है, जिसनू लिखा गया ओनकोलॉजिस्ट और पद्मश्री रेसिपिएंट डॉक्टर अशोक एल वायद। डॉक्टर अशोक एल वायद इन्हों द्वारा इस बुक नू एडिट किया गया और रिलीज़ की गई है जितेंद्र सिंह द्वारा। नैक्सट है अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। इन्हों द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम, ट्राइब्स इंडिया शोरूम नू इनोग्रेट किया गया सी मुंबई महाराष्ट्र के। ट्राइब्स इंडिया शोरूम मुंबई महाराष्ट्र के किस द्वारा इनोग्रेट किया गया? अर्जुन मुंडा द्वारा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF प्लस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AIFF ने SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाल मिलकर की किया ई पाठशाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ई पाठशाला प्लेटफॉर्म नू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की गल करिए प्रफुल पटेल इसके हैड ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गल करिए संदीप प्रधान इसके हैड ने। नैक्सट है थनवर चंद गहलोत। थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने इन द्वारा नैशनल काउंसल बनाई गई है फॉर ट्रांसजेंडर परसन। ट्रांसजेंडर परसन के लिए काउंसल बनाई गई थनवर चंद गहलोत द्वारा, ठीक है जी, जिसके लीडर बेसिकली चेयरमैन भी थनवर चंद गहलोत ही होंगे। नैक्सट है फर्स्ट एवर रॉकेट पिनाका। पिनाका रॉकेट जो कि पूरे तरीके नाल इंडिया वल एक प्राइवेट सैक्टर कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया। इसनों टेस्ट किया गया पोखरान राजस्थान के। नैक्सट है नैशनल सीड्स कारपोरेशन NSC, नैशनल सीड्स कारपोरेशन प्लस जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर टाइड अप करके अनाउंस किया है कि 10,000 क्वांटल सर्टिफाइड जूट सीड्स इस साल प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है जी। नैक्सट है MP द्वारा अनाउंस किया गया है कि जिन्नी भी गवर्नमेंट जॉब्स ने उन्होंने पीपल ऑफ द स्टेट्स बेसिकली उन्होंने रिजर्व कर दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स नू कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उन्होंने परसनस नू मिलनगियां जेडे कि उस स्टेट दे विच रहिंदे ने, उस स्टेट दा डोमिसाइल है जिन्ना लवे। नैक्सट है अ बुक दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी इस बुक नू लिखा गया एडवोकेट मोनिका अरोड़ा प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी दे टीचर्स सोनाली चितलकर प्रेरणा मल्होत्रा, सोनाली चितलकर प्रेरणा मल्होत्रा प्लस मोनिका अरोड़ा द्वारा इस बुक नू लिखा गया। नेक्स्ट है उड़ीसा द्वारा इन्हों का फेमस फेस्टिवल नोखाई फेस्टिवल रिसेंटली सैलीब्रेट किया गया। नैक्सट है केरला ने सैलीब्रेट किया थुम्बी महोत्सव फेस्टिवल या कह सकते हैं स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जिसका मैस्कोट रहा पंतालू। नैक्सट है केरला द्वारा ही एक यूनिक प्रोग्राम नमाथ बसाई बेसिकली ट्राइबल चिल्ड्रंस नू उन्हां दी मदर लैंग्वेज दे विच स्टडी कराने लिए, टीचिंग प्रोवाइड करवाने लिए नमाथ बसाई प्रोग्राम केड़ी स्टेट ने शुरू किया? केरला ने यह प्रोग्राम शुरू किया। नैक्सट चलते हैं स्टैटिफैक्ट्स के वल। स्टैटिफैक्ट्स के विच आप डिस्कस करेंगे हॉकी के जिन्हें भी कप्स और ट्रॉफीज हैल्ड किए जाते हैं, हॉकी गेम के विच जिन्हें भी कप्स और ट्रॉफीज हैल्ड किए जाते हैं। सब तो पहले आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि वूमेंस के लिए हैल्ड की जाती है, बेगम रसूल ट्रॉफी, आगा खान कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वूमेंस के लिए हैल्ड की जाती है,
गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, प्लस ध्यानचंद ट्रॉफी। मुरुगप्पा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी और आगा खान कप, याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं आज दे फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल विद फ्यूचर्स टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग नू बूस्ट करने दे लिए, इंक्रीज करने दे लिए किस द्वारा द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव, द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव बेसिकली जिसके अंडर 50 नवे फ्यूचर्स, 50 नवे फ्यूचर्स ऐड किए गए ने ऑनलाइन लर्निंग नू बूस्ट करने दे लिए। गूगल द्वारा, किस द्वारा शुरू किया गया है, गूगल द्वारा। गूगल की गल करिए, गूगल के हैड सुंदर पिचई ने और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबैट, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबैट, इस दे भी सीईओ अपॉइंट किए गए सी सुंदर पिचई। फेसबुक मार्क जुगरबर्ग, फेसबुक और गूगल दोनों ने ही रिलायंस की जियो के स्टेक बाय किया, रिलायंस दे जियो दे विच स्टेक बाय किया गया सी। फेसबुक द्वारा 9.99% और गूगल द्वारा 7.77%। इस तो इलावा जियो मीट एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी रीसेंटली, जियो ग्लासेस लॉन्च किए गए सी जियो द्वारा। जियो द्वारा ही अनाउंस किया गया कि छेती ही वह 5G टेक्नोलॉजी नू पेश करनगे, ये याद रखना है। ट्विटर, ट्विटर की गल करिए, जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी ट्विटर के हैड ने। नीति आयोग, नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इस दे वाइस चेयरमैन ने अमित, वाइस चेयरमैन ने राजीव कुमार और अमिताभ कांत इस दे सीईओ ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड माई आईएएफ मोबाइल एप्लीकेशन, माई आईएएफ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट फ्यूचर ऑफ ए पर्सन इन द फोर्स। बेसिकली माई आईएएफ की फुलफॉर्म हुई माई इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स दे विच अगर तुसी जाना चाहते हो तो किस तरीके का थोड़ा फ्यूचर होएगा, किस तरीके नाल तुसी जा सकते हो, किस तरीके की थोड़ी तैयारी होनी चाहिए है, ये चीज़ों के नाल एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एयर फोर्स हैड। एयर फोर्स हैड कौन ने, आर के सिंह भदौरिया, एयर फोर्स के चीफ आर के सिंह भदौरिया, आर के सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया द्वारा इस एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया। ठीक है जी, अगर आप बिपिन रावत की गल करिए, जनरल बिपिन रावत ये इंडिया के पहले CDS ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS की गल करिए, इसकी रिकमेंडेशन की गई थी शेकरतर कमेटी द्वारा, शेकरतर कमेटी द्वारा इसकी इस पोस्ट की रिकमेंडेशन की गई थी। मनोज मुकुंद नरवाने इस टाइम इंडियन आर्मी के चीफ ने। करणबीर सिंह, करणबीर सिंह अगर आप गल करिए इंडियन नेवी के चीफ ने। के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ ने, इंडियन कोस्ट गार्ड के हैड कौन ने, के नटराजन। इस तो इलावा, इस तो इलावा अगर आप गल करिए आर्मी की, आर्मी के बारे गल कर देने तो आर्मी डे कदों है, 15 जनवरी। नेवी, नेवी का नेवी डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है, नेवी डे दिसंबर के है, 4th दिसंबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की गल करिए, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है, 1 फरवरी ऑब्जर्व किया जाता है। इस तो इलावा रिसेंटली BSF के हैड चेंज किए गए सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हैड चेंज किए गए सी। कमेंट बॉक्स के भी दसना BSF के हैड कौन ने, ठीक है जी, BSF के हैड कमेंट बॉक्स के भी दसने ने BSF के हैड कौन ने। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंडिया साइंड एग्रीमेंट ऑफ 500 मिलियन टू इंप्रूव द नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ द सब अर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई। मुंबई के रेलवे सिस्टम की गल करते हैं, आप मुंबई के सब अर्बन रेलवे सिस्टम की नैटवर्क कैपैसिटी इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया गया। 500 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया गया किहड़े बैंक के नाल, इस एग्रीमेंट नू साइन किया गया AIIB के नाल, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर ए आई आई बी की गल करिए, ए आई आई बी दे विच 103 मैंबर्स ने, बीजिंग चाइना दे विच हैडक्वार्टर है और इसके हैड ने जिम लिक्विन। 103 अगर आप गल करिए, 103rd मैंबर लिबेरिया है, ये याद रखना है। ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक 68 मैंबर कंट्रीज ने, 68th मैंबर न्यू है। इस तो अलावा ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस दे विच हैडक्वार्टर है, मसद सुगू आसाकावा इस दे हैड ने। ए डी बी दे विच रिसेंटली वाइस प्रेजिडेंट अशोक लवासा नू बनाया गया। पहले एन डी बी डिस्कस करते हैं। शंघाई चाइना दे विच हैडक्वार्टर है, ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया, यानी कि 5 मैंबर कंट्रीज ने और इसके हैड ने मार्कोस त्रियोजो। रिसेंटली अपॉइंटेड ने केवी कमाद की जगह पर मार्कोस त्रियोजो, जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं, इन्हों अपॉइंट किया गया। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हैडक्वार्टर वॉशिंगटन DC दे विच है, दोनों दे विच 189 मैंबर कंट्रीज ने और 189th मैंबर कंट्री के लिए नोरू। वर्ल्ड बैंक की गल करिए, डेविड मलपास। IMF की गल करिए, IMF दे हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन आंसर देना, क्रिस्टलिना लगाडे किस बैंक के हैड ने। नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ गोल्ड प्लेटेड स्पेक्टेकल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का एक चश्मा जो कि मनिया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने पहनिया सी गोल्ड प्लेटेड स्पेक्टेकल्स और गिफ्ट दिता गया से उन्होंने 1900 दे विच। ठीक है, वो इस टाइम UK दे विच है, कित्थे है, यूनाइटेड किंगडम दे विच है, यूके दे एक ऑक्शन दे विच है और इसने किन्ने रुपए च खरीदया गया, इसनों किन्ने अमाउंट दे विच खरीदया गया है। अपना करैक्ट आंसर है 2.55 करोड़ या कह सकते हैं 2.55 करोड़ रुपीज़ दे विच इसनों खरीदया गया। किन्ने रुपीज़ दे विच? 2.55 करोड़ रुपीज़ दे विच इस चश्मे नूं खरीदया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च ऑनलाइन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रीन्यूएबल ऑफ लाइसेंस ऑफ गोल्ड असेइंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर्स। बेसिकली गोल्ड की लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दे लई, हॉल मार्किंग सेंटर्स दे लाइसेंस रीन्यूएबल दे लई और रजिस्ट्रेशन दे लई एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया। ऑनलाइन सिस्टम यह किस द्वारा शुरू किया गया? राम विलास पासवान एज ए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर ने, एज ए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर इन्होंने इसनों शुरू किया। इस तो इलावा राम विलास पासवान अगर आप गल करिए, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने। हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने। बठिंडा पंजाब तो लोकसभा MP ने। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने। फाइनेंस मिनिस्टर, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। रवि शंकर प्रसाद IT मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। IT, कम्युनिकेशंस और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है पटना बिहार तो लोकसभा MP ने। रामविलास पासवान राज्यसभा MP ने बिहार तो, ये दसना रह गया सी। राजनाथ सिंह काफ़ी ईजी है, डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा एमपी ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड सेकंड पेट्रोलियम पाइपलाइन टू इंडिया। अगर आप इंडिया की गल करिए, इंडिया एक पाइपलाइन लगाई जा रही है इंडिया के विचों उस कंट्री तक, यानी कि एक इंट्रा बॉर्डर पाइपलाइन होएगी और उस कंट्री के विच इंडिया की सैकेंड पाइपलाइन होएगी। इंडिया की उस कंट्री के विच सैकेंड पाइपलाइन होएगी। अपना आंसर है नेपाल। की आंसर है अपना? नेपाल। अगर आप गल करिए, नेपाल के विच पहले भी एक पाइपलाइन लगाई गई सी पेट्रोलियम के लिए, 2015 साइन किया गया सी एग्रीमेंट और 2019 के विच जाके वह खत्म हुई सी। ठीक है, उस पाइपलाइन नू लगाना शुरू किया गया सी 2015 तो 2019 दे विच बनाई गई सी। बिहार तो लेके कितों बनाई गई सी?
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੇਪਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਬੁਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜੈਵਰਦੇਪੁਰੇ ਕੋਟੇ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਗੂਲਤਰਮ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਥਿੰਪੂ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਗੂਲਤਰਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਨੇਮ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਗੂਲਤਰਮ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਆ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਡੀਆ ਉਠਾਏਗਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸਟੋਪੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 18 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਟਲ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ? 70 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੈਂਜਰਸ ਜਾਣਗੇ, 20 ਪੈਸੈਂਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। 18 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ, 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਔਰ 70 ਡੇਜ਼, 70 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਓਵਰਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸੋਫੀਆ ਪੋਪੋਵ ਬਿਲੋਂਗਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ? ਸੋਫੀਆ ਪੋਪੋਵ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਫ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੋਲਫ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਗੋਲਫਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਗੋਲਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੂਮੈਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਪਨ, ਗੋਲਫ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੂਮੈਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਪਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਗੋਲਫਰ ਸੋਫੀਆ ਪੋਪੋਵ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਗੋਲਫ ਦੇ ਲਈ ਆਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ। ਚੈੱਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੋਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਟੂ ਟੀਚਰਸ 2020, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਟੂ ਟੀਚਰਸ 2020 ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋਨਮ ਗਿਆਲਸਨ ਨੂੰ। ਸੋਨਮ ਗਿਆਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਦਾਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਗਿਆਲਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਟੂ ਟੀਚਰ 2020, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਟੂ ਟੀਚਰ 2020 ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਸੋਨਮ ਗਿਆਲਸਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੁਪੱਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੁਪੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ੀਨੋਵ ਅਵਾਰਡ 2020, ਜ਼ੀਨੋਵ ਅਵਾਰਡ, ਜ਼ੀਨੋਵ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੁਪੱਲਾ ਨੇ। ਦੀਪਾਂਕਰ ਘੋਸ਼, ਦੀਪਾਂਕਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਅਵਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਹਾਇ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਹਾਇ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਵਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸਹਾਇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਿਵ ਸਹਾਇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸਹਾਇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਡੈਥ ਬਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ, ਡੈਥ ਬਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਡੈਥ ਬਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਇਲ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਓਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ $10 billion ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸੀ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਓਇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ $10 billion ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਊਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪੀਟਲਸ ਔਰ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਆਦ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਰਿਆਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਸਕੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਸਕੋ, ਕਰੰਸੀ ਰੂਬਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅੰਕਾਰਾ, ਕਰੰਸੀ ਊਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਕੀ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ? ਬਲੈਕ ਸੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨਿਊ ਆਪਟੀਕਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਗੋਇਫੇਨ 905, ਗੋਇਫੇਨ 905 ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 2D ਰੋਕਟ, ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 2D ਰੋਕਟ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ 2D ਰੋਕਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਇਫੇਨ 905। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਚਲੀ ਐਗਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
बेसिकली दोनों कुछ एग्रीमेंट साइन करन दे लई और जिहड़े एग्रीमेंट साइन हो चुके ने उन्हां दी इंप्लीमेंटेशन दे लई इंडिया और उज्बेकिस्तान ने अपनी पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उज्बेकिस्तान कैपिटल और करंसी की है या फिर उज्बेकिस्तान के प्रेजिडेंट कौन ने। उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंत, करंसी सोम चलती है। इतने के प्रेजिडेंट ने शवकत मिर्जी योयेव। ठीक है जी, इन्हों का नाम याद रखना इंपोर्टेंट बनेगा। उज्बेकिस्तान के प्रेजिडेंट ने शवकत मिर्जी योयेव रिसेंटली अपॉइंटर ने आई थिंक कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडियाज लोंगेस्ट रोप वे ओवर अ रिवर विल बी मेड इन विच स्टेट। सॉरी इतने थोड़ी क्वेश्चन बनाने लगे थोड़ी प्रॉब्लम आई है कि इंडिया का लोंगेस्ट रोप वे केड़ी रिवर रिवर के उत्ते एक लोंगेस्ट रोप वे बनाया जा रहा है केड़ी स्टेट दे विच। फॉर एग्जाम्पल तुसी सुनिया हो तुसी देखा होएगा काफ़ी जगह के उत्ते हुंदा है कि एक रोप के उत्ते एक बग्गी जी लटकी हुंदी है। काफ़ी मूवीज़ के विच भी देखा होएगा और काफ़ी रियल दे विच भी देखा होएगा काफ़ी जगह पर हुंदा है जिथे भी माउंटेनर एरिया हुंदा है कि इस तरीके नाल ये पूरी क्रॉस करती है और दूसरी साइड पहुँच जाती है। ठीक है, तो यह एक तरीके का रोप वे जिहड़ा रिवर के उत्ते बनाया जा रहा है लोंगेस्ट रोप वे बनाया जा रहा है किन्ने किलोमीटर का 1.8 किलोमीटर। अगर आप गल करिए 1.8 किलोमीटर का लोंगेस्ट रोप वे बनाया जा रहा है किथे असम के विच ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते। केड़ी रिवर के उत्ते? ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते गुवाहाटी नू नॉर्थ गुवाहाटी के नाल कनैक्ट करेगा 1.8 किलोमीटर असम ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शनस की तो बाकी ऑप्शनस रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने वो डिस्कस करांगे। इस तो मेघालय द्वारा चेरी ब्लूसम फैसटिवल याद रखना है, मणिपुर द्वारा लिली फैसटिवल याद रखना है, चेरी ब्लूसम फैसटिवल और लिली फैसटिवल, अरुणाचल प्रदेश द्वारा तवांग फैसटिवल प्लस परशुराम कुंड मेला भी अरुणाचल प्रदेश द्वारा ही हेल्ड किया गया से। इस तो इलावा जी न्यूज़ ने और डिस्कस करते हैं, सब तो पहले मणिपुर के एक स्टूडेंट जिसका नाम है बलदीप निंगथोंग जैम इन द्वारा एक गेम डेवलप की गई है कोरोबोई। रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोरोना फाइटर गेम लॉन्च की गई। ठीक है, तो सिमिलर तरीके दे नाल एक मणिपुर के स्टूडेंट बेसिकली 9th क्लास के स्टूडेंट ने बलदीप निनोंग जैम इन्हों द्वारा कोरोबोई नाम की गेम नू डेवलप किया गया नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश द्वारा अनाउंस किया गया है कि जल जीवन मिशन के अंडर यह 2023 तक हर एक हाउसहोल्ड नू वाटर कनैक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि 100% तक वाटर कनैक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे 2023 तक। टारगेट अनाउंस किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन ने? पेमा खांडू। नेक्स्ट है सिक्किम के रिलेटेड काफ़ी इंट्रस्टिंग न्यूज़ है कि एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है सिक्किम के विच एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है किन्ना दे नाम दे उत्ते? बाइचिंग बुटिया जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के किसी टाइम कैप्टन भी रह चुके ने। बाइचिंग बुटिया काफ़ी फेमस प्लेयर ने फुटबॉल दे, कितों बिलोंग करते हैं? सिक्किम तो बिलोंग करते हैं, इस करके सिक्किम के विच बाइचिंग बुटिया के नाम के उत्ते एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है और यह इंडिया के विच पहला ऐसा स्टेडियम होएगा जो कि एक फुटबॉल प्लेयर के नाम के उत्ते बनाया जाएगा। ठीक है, इंडिया के विच पहला ऐसा स्टेडियम होएगा जिहड़ा कि किसी फुटबॉल प्लेयर के नाम के उत्ते बनाया जाएगा। क्यों रिसेंटली आप डिस्कस किया कि फुटबॉल नूं प्रमोट करन दे लई काफ़ी चीज़ा कीतियां जा रही ने। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आप डिस्कस किया कि AIFF और SAI ने पार्टनरशिप की थी फुटबॉल के विच इंटरस्ट इनक्रीज करन दे लई। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन टेरेटरी हैज़ लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान अंडर विच अ मेगा रजिस्ट्रेशन कैंपेन विल बी हेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर August 24 to September 11। हालांकि डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, इसमें आप स्किप करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। बेसिकली कि जिन्हें भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उन्होंने की जाएगी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, लिस्टिंग की जाएगी।
ठीक है, ताकि उन्होंने काम प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, कोविड 19 के दौरान पूरी तरीके कंस्ट्रक्शन वर्क भी खत्म हो चुका है, तो हम दोबारा शुरू किया जाएगा, तो किसी गाइडलाइनस के नाल किया जाएगा, तो जो वर्कर्स ने उन्होंने काम प्रोवाइड किया जा सके। इस दे लई दिल्ली सरकार ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा अनाउंसमेंट की गई निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की, निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की, जिस दे अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और गवर्नर ने इत्थे दे अनिल बेजल ये याद रखना। इस तो इलावा चंडीगढ़ की गल करिए, चंडीगढ़ के गवर्नर ने वीपी सिंह बदनौर, एडमिनिस्ट्रेटर ने चंडीगढ़ के वीपी सिंह बदनौर, इन्हों द्वारा CHD कोविड नाम की एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। CHD कोविड एप्लीकेशन चंडीगढ़ के लिए इन्हों द्वारा लॉन्च की गई थी, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ 5th ऐसा रेलवे स्टेशन बनया कंट्री का जिथे नेविगेशन फैसिलिटी इंस्टॉल किया गया, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन और नॉर्दर्न रेलवे का फर्स्ट रेलवे स्टेशन प्लस कंट्री का 5th रेलवे स्टेशन जिथे विजुअली हैंडीकैप्ड परसन के लिए, विजुअली चैलेंज परसन के लिए नेविगेशन फैसिलिटी इंस्टॉल किया गया। लद्दाख द्वारा रिसेंटली पुलिस के लिए नवा फ्लैग लॉन्च किया गया, याद रखना, जिसके उत्ते स्नो लियोपार्ड बनया हुआ सी, याद रखना। जम्मू कश्मीर बारे याद रखना, मनोज सिन्हा इतने के नवे लैफ्टीनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। लद्दाख के लैफ्टीनेंट गवर्नर का नाम है RK माथुर। अंडेमान एंड निकोबार रिलेटेड आप एक न्यूज़ डिस्कस की हुई है कि चेन्नई तो अंडेमान निकोबार तक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाई गई है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडेमान एंड निकोबार कनैक्ट किया गया चेन्नई के नाल, जिस दे नाल इस 4G कनैक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। ठीक है जी, ये याद रखना। अज्ज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा, सैशन लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।